आज हम आपको बताएंगे भिन्नों के जोड़ के बारे में। ये तो आप लोग जानते ही होंगे कि भिन्न क्या होते हैं। अगर नहीं तो हम बताते हैं। अगर किसी संख्या को किन्हीं दो संख्याओं को जैसे 5/10, अगर दो संख्याओं को 5 और 10 को इस प्रकार लिखा जाए तो ये कहलाता है भिन्न। इसमें ऊपर वाली संख्या कहलाती है अंश और नीचे वाली संख्या कहलाती है हर। ऊपर वाली संख्या अंश कहलाती है और नीचे वाली संख्या हर कहलाती है। ये भिन्न दो प्रकार के होते हैं, साधारण भिन्न और मिश्रित भिन्न। अगर ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या पूरी तरह से कट जाए, जैसे आइए देखिए 5/10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 बराबर 1/2, तो ये है हमारा साधारण भिन्न। ये है साधारण भिन्न। और अगर 2/13, 2/13 को नहीं काट सकता, तो ये है हमारा मिश्रित भिन्न। तो ये है साधारण भिन्न और ये है मिश्रित भिन्न। आइए अब सीखते हैं कि किस प्रकार दो भिन्नों को जोड़ा जाता है, किस प्रकार हम दो भिन्नों को जोड़ते हैं। 3/18 और 2/10 को अब हम जोड़ेंगे। 3 और 2 अंश की संख्याएं हैं और 18 और 10 हर की संख्या है। अब हर की संख्या का हम लघुत्तम समापवर्तक लेंगे। 18 और 10 लघुत्तम समापवर्तक लेने के लिए हम छोटी से छोटी अभाज्य संख्या से भाग देते हैं। जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2, यानी हम भाग देंगे 2 से। 2 से अगर भाग नहीं होता है तो उससे बड़ी अभाज्य संख्या 3 से, 3 से भाग देंगे। और उससे भी नहीं होता है तो उससे बड़ी संख्या 5 से देंगे। इस तरीके से हम क्या निकालेंगे, लघुत्तम समापवर्तक। 2 से भाग दिया, 2 9 18 और 2 5 10। अब किससे भाग होगा, 3 से, 3 3 9, 3 से 5 तो नहीं भाग हो सकता, इसलिए 5 को ऐसे ही उतार लेंगे। 3 एकम 3, 5 को फिर उतार लिया, 5 से दिया, 5 एकम 5, तो लघुत्तम समापवर्तक आ गया 2 × 3 × 3 × 5, 2 3 6, लघुत्तम समापवर्तक हो गया 2 × 3 × 3 × 5, 2 3 6, 6 3 18 और 18 5 90, यानी लघुत्तम समापवर्तक हो गया 90। अब 3/18 और 2/10 को जोड़ने के लिए 18 और 10 का लघुत्तम समापवर्तक क्या आया, 90। अब लघुत्तम समापवर्तक को हर की संख्या से हम भाग देंगे। लघुत्तम समापवर्तक को हर की संख्या से भाग देंगे, जो कुछ उत्तर आएगा उसको अंश की संख्या से गुणा करेंगे। जैसे 90 को हमने भाग दिया 18 से, 18 5 90, क्या आया उत्तर, 5। अब 5 को अंश की संख्या कौन सी है, 3, यानी 5 को अंश की संख्या 3 से गुणा करेंगे। 5 3 15, 15 आया, 15 को यहां लिख लेंगे, जोड़ का चिन्ह लगाएंगे। अब लघुत्तम समापवर्तक को दूसरी हर की संख्या 10 से भाग देंगे।
दस नौ नब्बे, उत्तर क्या आया? नौ। अब नौ को अंश की संख्या क्या है? दो। दो से गुणा करेंगे, नौ दूनी अठारह, यानी यहां क्या आ गया? अठारह। अब पंद्रह और अठारह को जोड़ेंगे, पंद्रह और अठारह, आठ और पांच तेरह, एक हासिल, एक दो तीन, तीन क्या आया? तैतीस, यानी अठारह पंद्रह और अठारह का जोड़ आ गया तैतीस, तैतीस बटा नब्बे। अब जैसा कि हमने आपको बताया था, तीन बटे अठारह ये भी साधारण भिन्न है और दो बटे दस ये भी क्या है? साधारण भिन्न। यानी ये जो हमने आपको दिया था, ये जो सवाल था, ये दो साधारण भिन्नों का जोड़ था। अब हम देखते हैं दो मिश्रित भिन्नों का जोड़, किस प्रकार हम दो मिश्रित भिन्नों को जोड़ते हैं। एक भिन्न है मिश्रित भिन्न पांच बटे सोलह, दूसरा भिन्न है तीन बटे चार। जैसा कि आप देख रहे हैं, पांच बटे सोलह और तीन बटे चार दोनों ही मिश्रित भिन्न है। अब जैसा कि हमने पहले सवाल में किया था, हम हर की संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक लेंगे, यानी सोलह और चार क्या है? हर की संख्याएं हैं और इनका हम क्या लेंगे? लघुत्तम समापवर्तक। सोलह और चार, अब ये किससे जाएंगी? छोटी से छोटी अभाज्य संख्या दो से, दो अठे सोलह और दो दूनी चार। अब फिर दो से जाएगी, दो चौक आठ, दो एकम दो, फिर दो से जाएगा, दो दूनी चार और एक, फिर दो से जाएगा, दो एकम दो, यानी लघुत्तम समापवर्तक आया दो। इन सारी संख्याओं को हम गुणा कर देंगे, दो गुणा दो गुणा दो गुणा दो, दो दुनी चार, चार दुनी आठ, आठ दुनी सोलह, यानी लघुत्तम समापवर्तक आ गया सोलह। छह सोलह और चार का लघुत्तम समापवर्तक आया सोलह। पांच बटे सोलह और दूसरी संख्या तीन बटे चार को हम जोड़ रहे थे, अब सोलह और चार का लघुत्तम समापवर्तक आया सोलह। अब जैसा कि हमने पहले सवाल में बताया था, लघुत्तम समापवर्तक को हर की संख्या से भाग देंगे और जो कुछ उत्तर आएगा उसको अंश की संख्या से गुणा करेंगे। दूसरी संख्या के लिए भी लघुत्तम समापवर्तक को हर की संख्या से भाग देंगे और जो कुछ उत्तर आएगा उसको अंश की संख्या से गुणा करेंगे, यानी 16 को सबसे पहले 16 से भाग देंगे, 16 को 16 से भाग दिया, 16 एकम 16, यानी ये तो एक आया उत्तर। अब एक को किसे? अंश की संख्या, यानी अंश की संख्या कौन सी है? पांच, यानी पांच से गुणा करेंगे। अब पांच एकम पांच क्या होता है? पांच, यानी उत्तर क्या आ गया? पांच। अब पांच को कहां लिख लेंगे? यहां पर जोड़ का चिन्ह लगाएंगे। अब दूसरी 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 संख्या पे आते हैं, सोलह को चार से भाग देंगे। अब चार एकम चार, चार दुनी आठ, चार तिया बारह और चार चौक सोलह, उत्तर आया चार। अब चार को अंश की संख्या कौन सी है? तीन, यानी चार को हम गुणा करेंगे अंश की संख्या तीन से, चार तिया बारह, यानी उत्तर आया बारह। अब बारह को हम लिख लेंगे यहां। अब क्या करते हैं, जैसा कि हमने पहले सवाल में किया था, पांच और बारह को जोड़ देंगे। बारह और पांच को जोड़ा, क्या है? पांच और दो सात, एक के नीचे कुछ नहीं है, यानी एक, यानी उत्तर आया क्या? सत्रह,
17 बटे 16 यानी 5 बटे 16 और 3 बटे 4 को अगर हम जोड़ेंगे तो हमारा उत्तर आया 17 बटे 16। 5 बटे 16 क्या है? मिश्रित भिन्न। और 3 बटे 4 क्या है? मिश्रित भिन्न। यानी मिश्रित भिन्न को जोड़ा तो उत्तर आया 17 बटे 16। भिन्न को जोड़ना आ गया होगा।